पेड़ लगा क्यों रहे हम लोग आज? सर अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, और पेड़ से हमें शुद्ध हवा मिलती है और भूस्खलन कम होता है। तो अभी चल रहा है प्लांटेशन हमारे एनसीसी कैडेट के द्वारा। ये बच्चे, ये कड़ी पत्ता है और ये माल्टे का पेड़ है और ये अमरूद का, अमरूद का तीन पेड़ दिल के आकार में। ये हमारा झरना, देखिए क्या प्यारा डिजाइन से बना है। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में फिर से अपने गांव से शुरुआत करना चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि यार पर डे का ब्लॉग देना चाहिए, तो आज की जो दिनचर्या है मैं आज को आपके सामने ब्लॉग में रखूंगा। फिलहाल तो मैं तैयार हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ स्कूल। फिलहाल कुछ भी जो एक्टिविटीज होंगी इस यानी कि स्कूल के बच्चों से मिलाता रहूँगा, अभी जो इसमें फिलहाल मैं चलता हूँ अभी स्कूल की ओर। यार क्या पुराने घर है, पुरानी बिल्डिंग है, और अभी हम जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस, सर का कुछ काम है। सर क्या काम है आपका? लेटर आने वाला है। और यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा ये तर चुका है, बांसवगढ़ ग्राम सभा। और भी लग रही है पिनालू। तो पता नहीं कैसा वाला है, काला है। अच्छा, ये है हमारा पोस्ट ऑफिस बांसवगढ़। पुराने समय में ये चलता था, आजकल इसका उपयोग मुझे लग रहा है कम होने लग गया है। हमारा ये है पोस्ट ऑफिस बांसवगढ़। गुरु जी का काम तो हुआ नहीं, हमारे गुरु जी गए थे पोस्ट ऑफिस में, लेकिन सर का अभी वो आए नहीं, तो हम अभी वो थोड़ा दिखाते हैं हम बांसवगढ़ का, और प्यारे प्यारे नज़ारे, प्यारे प्यारे घर, और प्यारे से सुंदर बांसवगढ़ हमारा दिखाते हैं। ऐसी ऐसी बहुत ही प्यारी, और ये घर में हर किसी के मिलेगा। सर जी कैसे हैं? नेगी जी मिल गए हमारे सर जी, आप भी लोग में कैद हो गए और ठीक है सर, आप हमारे पॉलिटेक्निक में हैं सर, इनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। एक छोटी दुकान है हमारे गांव में बांसवगढ़ में, ये वाली, इसका देखिएगा कितना प्यारा घर है यार, ये लकड़ी का बना, टोटल लकड़ी से बना है। आयुर्वेद में चलते हैं, तो यहाँ है आयुर्वेदी चिकित्सालय, हमारा प्यारा सा हॉस्पिटल आयुर्वेदिक चिकित्सालय। और हमारे डॉक्टर साहब को कई बार देखा होगा आपने, डॉक्टर शीशपाल जी। थोड़ा ठीक है, मिलते हैं। ओके सर, धन्यवाद। हाँ कुछ नहीं है ऐसा, बिलोक। हम आगे हैं उसी जगह जहाँ से हमारे सर का रास्ता है। फ्रेंड्स, इस गांव के बारे में आपका क्या कहना है, एक बार कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा, और स्कूल की तरफ चलते हैं हमारा। अभी चल रहा है प्लांटेशन हमारे एनसीसी कैडेट के द्वारा। ये बच्चे, किस चीज का पेड़ है? कविता। नहीं, पेड़ किस चीज का? सर ये तेज पत्ते का। तेज पत्ते पेड़ है सर ये? रीठा। रीठा, ये किसका पेड़ है? अनार। अनार का। और ये वाला पेड़ किसका है? लीची। रीठा। रीठा, रीठा का पेड़। अच्छा, ये पेड़ किसका है? है? संतरा। ये कड़ी पत्ता है और ये माल्टे का पेड़ है और ये अमरूद का। अमरूद का तीन पेड़। करो करो, ये पेड़ किसका अभी? अमरूद। तो ये किसका पेड़ लगा रहे हैं देवराज? दाढ़ी सर, ये इसके लिए बड़ा गड्ढा बनाना पड़ेगा। दाढ़ी का पेड़ है। अच्छा अच्छा, इसके लिए बड़ा। आज हरेला पर्व मना रहे हैं बच्चे। अच्छा। और पर्यावरण पर सभी बच्चे पेड़ लेके आए हैं, और तरह तरह के पेड़ हैं, और बच्चों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है।
और अमरूद। क्या होगा इससे? इसमें क्या आएंगे? अमरूद आएंगे इसमें? पत्ते। अच्छा क्या लाए भाई? क्या है? स्ट्रॉबेरी। तो यार कहाँ लगाएगा इसको? गमले में लगाना। नहीं, प्लांटेशन से क्या फायदे हैं हमें बता सकते हो आप? बोलो जोर से जोर से। फल मिलते हैं। फल मिलते हैं और ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन मिलता है, वेरी गुड। और पेड़ लगा क्यों रहे हम लोग आज? सर अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। हाँ। और पेड़ से हमें शुद्ध हवा मिलती है और भूस्खलन कम। भूस्खलन कम हो सकता है, मतलब बचाव। जैसे कि अभी नदी देख रहे हैं ना गाइस आप, ये जो नदी है पिछली बार इतनी वहाँ पर था ये हमारा पूरा ग्राउंड, और वहाँ से जो है क्या हुआ कि नदी आई तेज़ी से काट के ले गई, यानी कि पूरा आधा फील्ड ले गई काट करके। इसलिए अगर यहाँ पेड़ लगे होते हो सकता है ये हमारा ग्राउंड बच जाता। तो बहुत ही मतलब पेड़ इतने आवश्यक हैं। आज ही हमने क्या सोचा कि इसी किनारे पर जो है पेड़ लगाया जाए, तो हमने यहाँ पर किनारे पर पेड़ लगाया जिससे कि आगे जब नदी तेज़ी से आएगी तो इसका बचाव हो जाएगा, है ना। और कुछ बता सकते हैं सर? हाँ, पेड़ों से मतलब जो आजकल हमारे आसपास में गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, पेड़ों से अगर हमको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा तो ग्लोबल वार्मिंग की जो आजकल समस्या हो रही है वो थोड़ा कम होगी। पेड़ों से हमको शुद्ध वायु भी मिलेगी और छायादार वृक्ष लगा रहे हैं जिससे गर्मी के टाइम हमको छाया भी मिल सके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन इन्हें बचाव भी करना है नहीं? जी सर, बचाव भी। तो किसका पेड़ है ये उर्मिला? रीठा और आड़ू। अच्छा, तो बकरी आती है तो तुम लोग देखते भी नहीं है उसको? अगर पानी से नजर नहीं पड़ेगी इधर, बकरी की नजर नहीं पड़ेगी यहाँ? तो बकरी आती किसकी है यहाँ पर? पता नहीं, इन लोगों की आती है। बकरी नहीं है बकरी तुम्हारी? किसकी बकरी है? घोड़े आते हैं इधर चढ़ने के लिए। हाँ, घोड़े को बंद करना है, बकरी को बंद करना है, तब जाके बचेंगे पेड़। या नहीं, बैल भी आते हैं। हम भी नहीं होंगे पेड़ से तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। हाँ, तो इसको बचाना है ना? हाँ, वेरी गुड। तो फाइनली जो है आज जो है प्लांटेशन हो गया है बच्चों के द्वारा, कैडेट्स के द्वारा। अब देखने वाली बात है, इनको हमने देखना है आगे तक, बचाना है इन पेड़ों को। लगाना तो आसान है, बस उसकी केयर करना बहुत टफ होता है। तो केयर करना चाहिए, मेरा तो एक मैसेज है। लगाना वो अलग बात है, लगा दिया लेकिन लगा करके उसको पेड़ को जो है भूल जाते हैं लोग। तो मैं तो ये कहना, जितने भी मेरे फ्रेंड्स इसको देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ जहाँ भी आप पेड़ लगाएँ उसकी कम से कम एक साल तक उसकी केयर करें, उसे देखें, पानी दें, उसको जो है बचाव करें जालियों के द्वारा, किसी के द्वारा। तो आज जो है हमारा ये प्लांटेशन पूरा हो गया है, अब हम देखते हैं अगली प्रक्रिया क्या होती है स्कूल की। ये हमारा मार्केट है बांस बगड़ का, और छुट्टी हो गई बच्चों की। नमस्ते। तो मैं तो आ गया कमरे में फ्रेंड्स, अब वो छुट्टी हो गई स्कूल की, तो आ गए हम लोग अपने कमरे में। ताला खुला है पहले से ही, तो थक गए हैं, खाना वाना बनाते हैं, देखते हैं रूम के अगली प्रक्रिया क्या है। तो फ्रेंड्स मैं बताऊँ ना, मेरे कमरे से एक कितना प्यारा व्यू दिखता है, मैं आपको एक व्यू के पाले चलता हूँ। और ये है मेरा प्यारा सा गांव, मैं कई बार दिखाया लेकिन एक चीज़ दिखाने जाऊँगा गाइस, वो देखिए सामने बिल्कुल एक झरना। ये प्यारा व्यू है हमारे बांसबगड़ में, और यदि अगर इस पर रिसर्च किया जाए तो ये टूरिस्ट पैलेस इतना बढ़िया बन जाएगा। तो भाई लेकिन है बहुत ज़बरदस्त, ये दिल का आकार है पूरा, और दिल के आकार में ये हमारा झरना देखिए क्या प्यारा डिजाइन से बना है, वास्तव में दिल का आकार है। नहीं गाइज, अगर है लग रहा है तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। और एक झरना वहाँ से निकलता, देखिएगा एक झरना ये आ रहा है। तो ये झरने जो है हमारे कमरे से बैठे बैठे देखते रहते हैं हम लोग। एक झरना साइड में भी है उसके, ये वाला, तीन झरने हैं यहाँ दिखते हैं। और इस तरीके से है हमारा, उसके बाद मैं चलता हूँ छत की ओर आपको। और यहाँ है मेरी छत, ओह धूप हो रही, थोड़ा देखते हैं यहाँ पे भी। तो फ्रेंड्स मैंने ना ये यहाँ छत पे अपने गमले लगाए हैं, कुछ मिर्ची के पेड़ हैं, कुछ यहाँ पर लगाया तुलसी का पौधा भी लगाया है, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर ना ये वो भी लगाया है पुदीना। तो पुदीना चटनी के काम में बहुत अच्छा आता है। तो ये है हमारा मिर्ची का पेड़, और ये एक बेल है यहाँ पर, पता नहीं चल रहा किस चीज़ की बेल है, मुझे लग रहा है किस चीज़ की होगी यार, ये किस चीज़ की है? ककड़ी। तो मैंने इसको यहाँ लगा दिया, तार पे लपेट देगी ना ये, अपना आपको लपेट के फिर फैल जाएगी सब में तार में। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो वास्तव में पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और
आज का हमारा प्लांटेशन और हमारे स्कूल के बच्चे और हमारा प्यार झरना आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक जितना हो सके उतना कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज, बाय।